वेलकम टू डॉक्टर इजी ऑनलाइन फार्मेसी क्लासेस आज का टॉपिक है सल्फोनामाइड जो कि डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सब्जेक्ट में एक चैप्टर है सल्फोनामाइड उसका इंट्रोडक्शन है या उसकी पूरा डिटेलिंग है सल्फोनामाइड जो होते हैं वो सिंथेटिक एंटी माइक्रोवेल कंपाउंड होते हैं दीजिए आप सिंथेटिक एंटी माइक्रोल कंपाउंड कंटेनिंग है सल्फोना ग्रुप फंक्शन ग्रुप कौन सा होता है एसओ टू एन एच टू ये देखिए एसओ टू टू ठीक है सल्फोनामाइड ग्रुप रखते हैं एंड आर द डेरिवेटिव ऑफ सल्फा एनिलामाइड सल्फा के डेरिवेटिव होते हैं ये है आपका सल्फा -anilamide. ठीक है सल्फा एनिलामाइड और पैराो पैरामिनो क्यों क्योंकि इसकी इस इसके रेस्पेक्ट में ये पैरा ओपोजिशन है ऑर्थो है ये मेटा है ये पैरा है तो पैरा पे क्या है अमीनो ये क्या है अमीनो एनएच टू अमीनो पैरामिनो बेंजीन ये क्या है बेंजीन इतनी ये देखिए बेंजीन और बेंजीन सल्फोनामाइड और ये सल्फोना ठीक है ये सल्फोना तो इस पूरे कंपाउंड को क्या कहते हैं सल्फा एनिलाइट इसका डेरीबेटिव को डेरीवेटिव होते हैं कौन सल्फोनामाइट्स दीज आर जनरली वाइड स्पेक्ट्रम ड्रग वाइड स्पेक्ट्रम ड्रग का मतलब ये जो सल्फोनामाइड्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में काम आते हैं अनेक मैनी टाइप के इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में आते हैं इसीलिए इसे वाइड स्पेक्ट्रम ड्रग्स कहते हैं एक्टिव अनेस्ट बोथ ग्राम निगेटिव एंड ग्राम ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरियल डिजीज ये दोनों टाइप के बैक्टीरिया के बैक्टीरियल स्पीसीज के इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में आती हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव दोनों के ठीक है इनके दोनों के प्रति एक्टिव होती है ड्रग ये स्ट्रक्चर बता दिया हमने सल्फाइड एंडाइड का सल्फोनामााइड में भी कार्ल्ड है सल्फोनामाइड्स को शॉर्ट में हम सल्फा ड्रग्स भी बोल सकते हैं ठीक है ठीके? सल्फा ड्रग्स सल्फा सल्फोनामाइड को हम सल्फा ड्रग्स भी बोलते हैं इन ह्यूमन बींग सल्फोनामाइड वर द फर्स्ट इफेक्टिव कीमोथेरेपेटिक एजेंट टू बी एम्प्लॉयड सिस्टमेटिकली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन के प्रिवेंशन में या ट्रीटमेंट में सिस्टमिकली मतलब ब्लड ब्लड से रिलेटेड टॉपिकल नहीं सिस्टमेटिकली एम्प्लॉयड करने के लिए ये फर्स्ट कीमोथेरेपेटिक एजेंट था सल्फोनामाइड ठीक है ह्यूमन में इन ह्यूमन बींग सल्फोनामाइड वर द फर्स्ट इफेक्टिव कीमोथेरेपेटिक एजेंट टू बी एम्प्लॉयड सिस्टमिकली फॉर द प्रिवेंसन ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन नेक्स्ट क्लासीफिकेशन क्लासीफिकेशन में बात करें दीज आर क्लासीफाइड ऑन देश ऑन द केमिकल बेसिस केमिकल बेसिस में क्या ये देखिए सल्फोनामाइड सल्फोनामाइड में इस एन टू को एन बन के मान लेते हैं ठीक है और इस वाले एन टू को एन फोर अगर इस पर सल्फो सब्सटीट्यूशन होगा तो ये एन वन सब्सिट्यूटेड सल्फोनामाइट बोट रग जो एन वन पे सब्सिट्यूटेड हो मतलब इस पे इस पॉइंट पे सब्सिट्यूटेड हो तो वो इस कैटेगरी में आएंगे एन वन सब्सिट्यूटेड सल्फोनामाइट कौन कौन से हैं सल्फा एसिटामाइड जो कि ये स्ट्रक्चर है ये देखिए एन वन ये पोजिशन है इस पे सी एस सी यो सी एस थ्री ग्रुप लगा है इसीलिए से सल्फोनामाइड ये इसका नाम सल्फोनामाइड है और ये एन वन सब्सिट्यूटेड सल्फोनामाइट की कैटेगरी में रखा है इसी तरीके से ये वाला कंपाउंड सल्फाडाइजिन क्यों क्योंकि ये एन वन पे सब्सिट्यूट है कौन सा ग्रुप पैराम ठीक है एन वन पे कौन सा है पैरामडीन और इसी तरीके से इसमें एन वन पे क्या है ये ठीक है ये वाला आइसोक् मिथाइल आइसोक्साजोल एन वन पे सब्सिट्यूटेड है ठीक है इसका नाम है सल्फा मिथोक्साजोल ये तीनों ड्रग सल्फा एसिटामाइड सल्फा सल्फा मिथोक्साजोल और सल्फा ग्वानी ये तीनों एन वन सब्सिट्यूटेड सल्फोनामैट्स हैं ठीक है एन वन मतलब इस पे सब्सिट्यूशन इसमें जैसे सी ओ सी एस थ्री है मतलब एसिटेल ग्रुप है इसमें पैरामिडीन है इसमें आइसोक्साजोल है ठीक है ये किस कैटेगरी में एन वन सब्सिट्यूटेड सल्फोनामेंट इसी तरीके से एन फोर अगर इस पे सब्सिट्यूटेड हो ठीक है इस एन फोर पे यहाँ पे अगर सब्सिट्यूटेड होंगे तो किस कैटेगरी में आएंगे एन फोर सब्सिट्यूटेड सल्फोनामेंट जिसका एग्जाम्पल है सल्फा सलाजी ठीक अब दोनों पे हों N1 एंड N4 फोर सब्सिट्यूटेड सल्फोनामाइड इसके एग्जाम्पल है सक्सीनाइल सल्फा थायाजोल थैलाइल सल्फा थायाजोल ये दो एग्जाम्पल हैं N1 एंड N4 फोर सल्फोन। ये थे ऑन बेसिस ऑफ केमिकल अब आ जाओ ऑन दी बेस ऑन दी थेरोपेटिक बेसिस थेरोपेटिक मतलब किस डिजीज के ट्रीटमेंट में काम आते हैं उसके बेस पे उसके बेस पे कौन से पहला इन यूरेनरी टैक इन्फेक्शन वो सल्फोनामाइड जो यूरेटेक इन्फेक्शन में के ट्रीटमेंट में काम आते हैं वो कौन कौन से हैं सल्फा डाइजीन सल्फा मेथोक्साजोल ट्राइमेथोपरी ये तीन है तीसरा है दूसरा है इन रेस्पायरेटरी इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में कौन कौन से सल्फोनामाइड आते हैं वो इस कैटेगरी के में रखे जाएंगे पहला सल्फा डाइजीन ट्राइमिकसाजोल होती हैं दो होती हैं कोट्राइमिकल किसका बना होता है सल्फा मिथोक्साजोल प्लस ट्राइमिथोप ठीक है नेक्स्ट इन इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन अगर इंट, ड्रग जो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में काम आते हैं वो इस कैटेगरी में रखे जाएंगे कौन कौन सी है सल्फा थैलाइल सल्फा थायाजोल सक्सिनाइल सल्फा थायाजोल ठीक है तो वो इस कैटेगरी नेक्स्ट इन आई इन्फेक्शन एग्जाम्पल सल्फाइसिटाम इन वन थेरेपी सिल्वर सल्फा डाइजिन ये हैं क्लासिफिकेशन दिया था नॉर्मली जो सल्फोनामाइड है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में काम आते हैं या यू टी आई इन्फेक्शन या जी टी आई ठीक है या आई इन्फेक्शन के काम आते हैं ठीक है या रेस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन यू टी आई ट्रेक इन्फेक्शन या आई इन्फेक्शन या अब लास्ट है वन इन्फेक्शन अगर यूज की बात करें तो यही है सल्फोन का यूज क्या है पहला इन दूटी आई ट्रैक इन्फेक्शन दूसरा इन रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन तीसरा इन in, इंटेस्टाइनल या जी टी आई ट्रैक इन्फेक्शन चौथा इन in आई पाँच इन्फेक्शन पाँचवा इन वन थेरेपी थैंक यू